बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज छोटा सा व्लॉग बनने जा रहा है मदरसे का। तो वही मदरसे में आज कौन पढ़ा रहा है, ये मेरी जगह कौन पढ़ा रहा है? भाई आज ये पढ़ा रही हैं हमारी सास, यानी हमारी सास की बहन, हमारी सास की सहेली। हमारी सास तो है नहीं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। तो ये इनकी दोस्त हैं, इनकी बहन हैं बनी हुई। तो आ जाती हैं हमारे घर, मुझे बहुत मोहब्बत करती हैं। और वही इनको डॉक्टर के लिए जाना था, मुझे तो ये आ गई थी। तो मैंने कहा चलें आज खाला आप ही पढ़ाइए बच्चों को। तो पढ़ा रही थी। और भाई आ गए थे बिलाल भाई, ये बड़े मौलाना हमारे जो फैज़ान मदीना में बन रहे हैं हाफिज़ कुरान, माशाल्लाह 10 पारे उनके हो गए हैं हिफ्स। तो आज मुझे सुनाने आए थे अपना सबक। तो भाई उनको जो है ना, वो बच्चों को आज हमारे मदरसे के बच्चों का ले रहे थे टेस्ट, पहले उनसे कायद कवायद पूछ रहे थे। और फिर भाई ये उनका सबक मैंने सुनना था, तो कैसे कैसे मुझे बताएंगे, कैसे उनका सबक सुनना है, कैसे उनका एग्ज़ाम, उनके टेस्ट होने वाले हैं, तो मुझे सुनाएंगे, आप भी सुनिएगा। और भाई जो छोटे छोटे बच्चों से भी बातचीत होगी उमेहानी और कशफ से, तो वो भी सुनिएगा, इंजॉय कीजिएगा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और भाई लास्ट में दिखाऊंगी मैं उनको डॉक्टर के क्लिनिक लेकर गई थी अपनी सास को। तो भाई छोटा सा व्लॉग है। चलें भाई, बिलाल भाई आ जाए हैं हमें अपना सबक सुनाने के लिए। तो बताएंगे क्या सुनना है आज हमने? भाई चार पारे हैं और बीच में से कल से भी आप कुछ भी सुनिए। अच्छा माशाल्लाह। और पांच सवाल करने हैं। अच्छा इसमें से पांच सवाल करने हैं और मैं कहीं से भी आपसे पूछ सकती हूँ? अच्छा तो आप वहाँ से फिर मुझे सुनाएंगे? सही 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 है। अच्छा जो रुकू होगा उसमें से मैं एक आयत बोलूंगी तो फिर आप सुनाओगे? पूरा रुकू आप सुनाएंगे। और जब सूरत शुरू होगी तो उसकी पहली आयत आप बोलूंगी? वो पहली आयत मैंने बतानी है और बाद में आप पूरी सुनाएंगे। चलें इंशाल्लाह मैं अभी आपका सुनना शुरू करती हूँ, ठीक है? चलें माशाल्लाह माशाल्लाह भाई बिलाल भाई बहुत अच्छा माशाल्लाह हिफ्ज कर रहे हैं। तो आज हमें सुनाने आए हैं, इंशाल्लाह आप लोग भी सुनिएगा। فلا صدق ولا صلى بسم الله الرحمن الرحيم قال نمبر نتي سورة القيامة نمبر الحالة فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ولا أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ولا سأل أن يترى رسولا ألم يكن نطفة من ملك يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوار المنشآت في البحر कश्यप कल आपकी छुट्टी बंद हुई थी, किस लिए हुई थी? पढ़ नहीं रही थी आप, सबक याद नहीं था आपको। और एक दिन पहले उम्मेहानी की छुट्टी बंद हुई थी, है ना? आज उम्मेहानी हंस रही है ना भाई, ये देखो कैसे हंस रही है उम्मेहानी। उम्मेहानी आज तुम हंस रही हो ना, है ना? एक दिन पहले आपकी छुट्टी बंद हुई थी, फिर कश्यप की छुट्टी बंद हो गई। अब कश्यप तो रोने भी लगी थी, है ना कश्यप? रो रही थी ना आप? हाँ रो रही थी। और फिर जल्दी जल्दी से अच्छा सा सबक भी याद कर लिया था। और जब छुट्टी करने के लिए क्या बहाना ढूंढा था? क्या कह रही थी? जब छुट्टी कर दो बाजी मेरी, क्या हो रहा था? वशु मारा था मेरी छुट्टी कर दो बाजी, है ना? देखो उम्मेहानी कितना हंस रही है, उस दिन उम्मेहानी रो रही थी। तो भाई ये शाम के वक्त है, हम पहुंच गए थे क्लिनिक। तो मैंने उनको अपनी सास को क्लिनिक में चेक कराया, इंजेक्शन वगैरह उनके लगा था। उनका बीपी काफ़ी हाई हो जाता है और उनको बस थोड़ा घुटनों की भी तकलीफ थी। तो भाई अगर ब्लॉग थोड़ा सा पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें, आपकी मोहब्बत आपका प्यार होता है। अभी आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।